I request Honorable Vice Chancellor Professor Yogesh Singh to kindly felicitate our chief guest, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Thank you, sir. I request Honorable Vice Chancellor Professor Yogesh Singh to kindly deliver the welcome address. Namaste. Bharat ka maan aur gaurav badhane wale mananiya Pradhanmantri Shraddhe Shri Narendra Modi ji, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, और आज के समारोह में, शताब्दी वर्ष समापन समारोह में आए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है, दो कारणों से। पहला कारण तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवशाली और प्रभावशाली उपलब्धियों के 100 वर्ष पूरे हुए। इन 100 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के हर घर में गया, हर मन में गया, देश के हर जिले में गया, हर तहसील में गया, और जितने संसार में देश है वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे और बड़ी उपलब्धि है वो है कि प्रधानमंत्री के पद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना एक ऐतिहासिक पल है, और हम सब उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मन में भाव आ रहे हैं, मेरे मन में भाव आ रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। इतनी मेहनत करने वाले, निडरता से निर्णय लेने वाले, दूसरों का दर्द समझने वाले, देश के लिए जीने वाले, अपना कुछ नहीं की भावना से औरों का हित करने वाले, भारत को मजबूत और सुरक्षित करने वाले, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें संभाल कर रखना और इन पर अपनी कृपा बनाए रखना, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये अपना ध्यान कम रखते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। हिंदी के कवि हैं श्री हरिओम पवार जी, उन्होंने 2014 में एक कविता लिखी जब भारत में नई सरकार आई, और उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। और ऐसा इन्होंने अनेक बार किया पिछले 9 वर्ष में, कई बार साल में 2-3 बार भी ऐसा किया कि देश देखता रह गया। और हम सबका विश्वास है, आप सबका विश्वास है कि अभी आगे भी ऐसा कुछ करेंगे कि देश देखता रह जाएगा। लेकिन आज से 50-100 वर्ष के बाद आने वाली पीढ़ियां सहज विश्वास नहीं करेंगी, कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना प्रभावी, इतना राष्ट्र को प्यार करने वाला, इतना कर्मयोगी, इतना गतिशील और इतना मेहनती। दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है निष्ठा धृति सत्यम, यानी समर्पण, दृढ़ता और सत्य। इन तीनों शब्दों को विश्वविद्यालय ने तो लिखा, लेकिन अपने जीवन में प्रधानमंत्री जी ने साकार किया, इंप्लीमेंट किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से निश्चित समय में इंप्लीमेंट करने वाले
शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करना इतना सरल कहां था, लेकिन वो लागू की गई, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मिशन मोड में रिक्रूटमेंट करने का आह्वान किया। भारतीय आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी प्रोग्रेस की लगातार समीक्षा करी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दशकों के बाद 2200 टीचर्स को रिक्रूट किया। यहां बैठे अनेक नए टीचर्स को मैं बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। 100 वर्ष में जैसी जब देश की जरूरत थी, विश्वविद्यालय ने वैसे ही कार्य किया। प्लीज सौ वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय ने जैसी जब देश की जरूरत थी वैसा कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दिए, गांधीवादी दिए, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जजेस दिए, साइंटिस्ट दिए, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, टीचर्स दिए, रिसर्चर्स दिए, लीडर्स दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, बिजनेस पर्सन दिए, और सबसे बड़ी बात, देश को अच्छे नागरिक दिए। और आज 2047 में प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और देश ने फिर संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी कहने पर कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की उसमें क्या भूमिका हो सकती है। इसके लिए हमने भी अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया ताकि विश्वविद्यालय का भारत सरकार के सहयोग से एक प्रभावी और आवश्यक भूमिका बने। इसके लिए टीचर्स को जो है और मेहनत करनी पड़ेगी।